चैनल स्टडी मटेरियल। मेरा नाम अरिहंत जैन है और मैं आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में सिखाने वाला हूँ कि पाइथन को कैसे आपको इंस्टॉल करना है आपके कंप्यूटर में और लैपटॉप में। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप अपने जो पाइथन है, पाइथन का पूरा ओवरव्यू दिया था कि क्या है पाइथन, कौन सी लैंग्वेज है, क्या करती है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं पाइथन के अंदर आप, और सारे मॉड्यूल्स बता दिए थे कि कौन कौन से मैं आपको चीज़ें सिखाने वाला हूँ इस पूरे वीडियो सीरीज में। चलते हैं इस सेकंड वीडियो में, जो कि है पाइथन का इंस्टॉलेशन। देखते हैं कि कहाँ से क्या इंस्टॉल करना है, कैसे क्या करना है। चलो चलते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है आपके लिए ये, सो गाइस यहाँ पे एक लिंक दी है मैंने, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। जो कि ये लिंक है और इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ये पाइथन का डाउनलोड पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए पाइथन का डाउनलोड पेज ओपन हो चुका है, जो कि लेटेस्ट वर्जन अभी अवेलेबल है मार्केट में वो है पाइथन 3.8.2 जो कि लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का। और भी आप वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, 3.7.7, 3.8.2 भी है, और भी सारे वर्जन्स हैं। ये देख सकते हैं पूरी लिस्ट है यहाँ पे बहुत सारे वर्जन्स की। 2.x वाले भी वर्जन्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। और उसके और भी कैसे इसको आप इंस्टॉलेशन विंडोज़ में, मैक में, लिनक्स में आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। जैसे विंडोज़ की अगर बात करें तो सिंपल, अगर मेरा ये जो वर्जन है वो विंडोज़ के लिए है, सो यहाँ पे जैसे ही मैं इस डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, सो यहाँ पे एक exe फाइल मुझे वो पूछेगा सेव करने के लिए। स्पीड सी, सो यहाँ पे पाइथन का 3.8.2x का ये जो exe फाइल है ये पूछ रहा है कि आपको कहाँ इसको इंस्टॉल करना है। सो गाइस यहाँ पे मेरे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है 3.6.2 का, सो मैं अभी इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको 3.6.2 जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल वर्जन है, इसलिए मैं इस पर ही आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको बाकी चीज़ें इसकी प्रोसेस करनी है। सो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, 3.8.2 को भी, नो इशू, कोई आपको इशू नहीं आएगा। बट यहाँ पर जो मेरी सीरीज होगी वो होगी 3.6 के वर्जन में। सो चलते हैं इस exe फाइल में। मैं आपके यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। चलते हैं अपने वीडियो आगे वीडियो पे। देखिए यहाँ पे गाइस ये मेरा exe फाइल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आ गया एक मॉडिफाई, रिपेयर और अनइंस्टॉल का ऑप्शन, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे मॉडिफाई, अगर आपके सिस्टम में सिंपल नेक्स्ट 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 का ऑप्शन आएगा और इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका। मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ, जो कि मेरे पास में सक्सेसफुली मॉडिफाई हो चुका है। यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। अब उसके बाद में अपन जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है या इंस्टॉलेशन हो जाता है, उसके बाद में आपको क्या करना है, विंडोज़ पे प्रेस करके पाइथन सर्च करना है। देख सकते हैं अगर आपने यहाँ पे पाइथन सर्च किया है तो IDLE पाइथन का 3.6 है, 64 बिट का जो मेरा सिस्टम है 64 का, तो यहाँ पे 64 दिखाने लगा। अगर आपका सिस्टम 32 बिट का तो ऑटोमेटिकली वो 32 बिट पे आ जाएगा। यहाँ पे अपन अब चलते हैं IDLE पे, जो कि देखते हैं कि क्या UI है इसका, क्या उसके वर्जन हैं, तो आप यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे मेरे पास में पाइथन का शेल ओपन हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे आपका जो भी आउटपुट है वो आप देख सकते हैं। एक तरीके से ये कमांड लाइन शेल है। सपोज मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट कोई मैसेज मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, जैसे हेलो हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे मैं जैसे ही, अगर आप इस पूरे स्टेटमेंट को आपको एग्जीक्यूट करना है आप डायरेक्ट हिट एंटर करेंगे तो देखिए आपका ये आउटपुट आ चुका है, हेलो वर्ल्ड। ये पूरा काम जो है ये वाला लिखने के बाद में ये आपका ये जो काम है, जो आउटपुट शो करने वाला है, ये आपका इंटरप्रेटर का काम है।
सो यहाँ पे आप एक फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे वाली वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ शेल से रिलेटेड, और इसको आपको कैसे आपको कमांड लाइन में ऐड करना है, पूरा एनवायरनमेंट सेटअप करना आपको आगे सिखाने वाला हूँ। सो गाइस,